अरे यार, अभी ये पिछले 1.5 हफ्ते ना बहुत ज्यादा क्रेश चल रहा था भाई। घर की दिक्कत थी और नौकरी वोकरी स्कूल में तो काफी सारी दिक्कतें चल रही थी, पर धीरे धीरे ठीक हो रहा सिस्टम। तो घर भी मिल गया मेरे को दूसरा, पर ये वाला घर अब छोड़ना पड़ेगा। इस घर में 6 साल रहा हूं मैं, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। राम राम जी। यार क्या मोबाइल आ रही है? आप देखिए वैसी वक्त कट रहा है। हर एक पोस्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मैं ये खरीद कर आया था। फिर राम जी मैंने इसके ऊपर टिका दिया था। अब ये वाला बैकग्राउंड भी कभी नहीं आएगा वीडियो में, ये भी लास्ट ही है। नो डाउट यार, ये व्यू बहुत अच्छा है। जब भी मन करे यहाँ पर आके मैं वीडियो वगैरह बना लेता था। सही में यार, यहाँ पर बैठने में ना बहुत सुकून सा मिलता है। पर अब मेरा यहाँ पर आना होगा नहीं, कोई वजह नहीं है। तो अब ये इस व्यू के साथ तो मैं शायद ही कोई वीडियो बना पाऊंगा, पर जितना भी था यार बहुत अच्छा था। YouTube की पार्टी में जब मेरे को बुलाया था टोक्यो में, तब भी मैं यहीं खड़ा होकर वीडियो बना रहा था। और मेरा जब सिल्वर प्ले बटन आया था, तब भी मैं यहीं खड़ा था, यहीं पे वीडियो बनाई थी मैंने। अरे यहीं बैठ के तो मैंने और पांडे ने हीलियम गैस पे गोप्रो में गुब्बारों बांध के आसमान में भेज दिया था। और जितने मेरे दोस्त हैं ना अच्छे, वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं। हम यहाँ पर खूब हमने खाया पिया है, बहुत पार्टी वार करी है। एक बार तो यहाँ पर पुलिस भी आ गई थी कि इतना शोर मत मचाओ, तुम यहाँ पर रात हो रही है। बस वही मेन जो सिटी है ना, उमेदा और नांबा, वहां से थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, ट्रेन में आना पड़ता है और उसके बाद स्टेशन से 20 मिनट पैदल चलना पड़ता है। पर व्यू मिलता है यार। जब मैं ओसाका आया था ना टोक्यो से, तब मैं स्टूडेंट था टोक्यो में, पहली बार नौकरी लगी थी। थोड़े पैसे ऐसे आने लगे थे, स्टूडेंट तो छोटे घर में रहते हैं यहाँ पर जापान में, इतने पैसे नहीं होते। तो पहली बार थोड़ा खुला सा घर मिला था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो व्यू बहुत सही था, मुझे मैं बहुत राजी था। यूट्यूब भी मैंने यहीं से इसी घर में स्टार्ट करा था। नौकरी चाकरी कर करा के इसी दरवाजे के आगे खड़ा होकर वीडियो बनाता था। मैंने एक बात कहीं पर सुनी थी, मैं जैसे बोलूं तो मोगली या टारजन, वो एक बेल में पकड़ के झूल के जाते हैं। तो जैसी अगर एक बेल को पकड़ के झूल के जाएगा, दूसरी को नहीं पकड़ेगा तो उसी में लटका रह जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा। कि अगर एक बेल नहीं छोड़ेंगे तो दूसरी पे कैसे जाएंगे, और दूसरी पे नहीं जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, नहीं तो उसी जगह पे अटक जाएंगे। जब मैंने वीडियो बनानी शुरू शुरू करी थी ना, तो यही तो खड़ा होकर बनाता था मैं पीछे ही इस वाले गेट के पास। तो अब मैं बताता था इंडिया और जापान के बीच में क्या फर्क है, पॉइंट वॉइंट जैसे ये होता है यहाँ पर। हाँ, जैसे यहाँ पर इंडिया में तो इसको बोलते हैं ना कि बाथरूम जाना है, यहाँ पर इसको बोलते हैं लड़की का चक्कर है क्या बाबू भैया। तो ऐसे कई सारे डिग्री में बताता हूँ, 5 साढ़े 5 साल पहले। ये देखता जम्बू ची का दस्ते बिना सबसे ज्यादा भारी काम है किचन सेट करना। फेंकने वाला नहीं पता कैसे चक्कू कहाँ फेंकेंगे, इतने सारे फालतू के पड़े हुए पेचकस प्लास कैंची वैची। इसीलिए तो लोग सबसे पहले जब पैसा वैसा कमाते हैं तो सबसे पहले लोन लेके घर लेते हैं। ये धरती पे कुछ भी वो नहीं है, स्थिर नहीं है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि जिनके घर हैं वो क्या कभी तो मैंने कब का रिग्रेट कर रहा हूँ? तो वैसे ही बता रहा हूँ कि जो टाइम उसमें जा रहा है उसमें मजा नहीं आ रहा। तुम भाग तो सही है, मजा थोड़ी आएगा, मेहनत किसको अच्छी लगती है। थोड़े टाइम के लिए फिर वहां जाओ, उसके बाद सारा फिर कहीं, उसके बाद फिर और कहीं वहां कहीं, तो फिर वहां से भी कहीं ना कहीं तुमको जाना ही पड़ेगा। और सामान डाल ना शुरू करो तुम। पर इसमें ये पता चल जाता है कि सारे इतना सारा सामान फालतू में रख रखा था जो मैं, हाँ जिसकी जरूरत नहीं है यही तो होता है। तो आधे ज्यादा सामान की जरूरत ही नहीं होती, पड़े रहते हैं वो, कभी आए थे फिर छूट गए भूल गए, कभी ये सोच के रखे थे कि कभी काम आएंगे, कभी काम नहीं आया आज तक। ये होता है क्या है, ये लोटा वोटा जग वगैरह ले आया तो इंडिया से? अरे बड़े शौक है कि लोट इसमें जग में पानी पीऊंगा। 2 साल से नहीं पिया। बेच दे इसको मैं बताऊं। अरे जंग लग गए, अरे जंग लगे भी बिक जाएंगे, अबे मर जाएगा कोई। अबे वो उसको थोड़ी बेचना है, किसको? दुकान पे जाके बेचना है जो तांबा पीतल खरीदते हो यहाँ पे। अब मैं वो ढूंढू? हाँ इसको नीचे रख, इसके ऊपर सामान रख। मैं कह रहा हूँ ये पेपर चाहिए, ग्रीन स्क्रीन, ये नहीं चाहिए था इधर। और जिस चीज पे एड्रेस लिखा हो उसको फाड़ के फेंकियो, ये भी फेंक दे। एड्रेस लिखा हो ये रहा तेरा एड्रेस, एड्रेस सारा पेंशन योजना।
हाँ उसको फाड़। वो तो ठीक है, ये क्या है? फोटो दे रही फाड़ के फेंकने। फाड़ के मत फेंक यार, क्या तो अबे तुझे क्या है, फोन में दुनिया भर की चीजें पड़ी हुई हैं और रैंक के पर बहुत पुराना बेकार फाइल है। ये बाबा आदम के जमाने का है, 2018 और 12 मंथ क्या 6 मंथ का ही होगा। अमचूर पाउडर, कुकिंग स्टाफ, ये मसाले। अरे ढक्कन लगा दे तो ले जाऊंगा, दिखा मैं जरा। जीरा, ये तो नया। ये कुछ एवरीडे एसेंशियल्स लिखा हुआ है, मतलब अभी वो है अजवाइन। अभी ये तो नई नया खरीदा। ये तुम्हारा मैजिक साल्ट है, ये चिपक गया इसी में। अबे ये क्या है? कोशो कोशो सीओ कोशो कोशो सीओ कोशो नमक और काली मिर्च मिक्स रहती है। अरे भगाए जापान स्टाइल है। इसके ऊपर ही मार दे कपड़ा, ऊपर वाले पे। हाँ तो कहाँ मारू मैं? मेरे मुंह पे क्यों फेंक रहा है? वैसे करना। काली हो गई है ये, काली हो गई है, भगवान करे। 2019 है ना? अरे 4-5 साल हो गया भाई, 19-20-21-22-23 4 साल हो गए। मधुमक्खी भी बोलेगी सर, साले इतना भी नहीं रखना पड़ता है। ये चनप्रास खाली डब्बा है। अरे ये भरा हुआ है इसे। अबे 2020 में खत्म हो गई थी यार, ये पूरा भरा हुआ डब्बा है ये। एक और, ये 2021 में खत्म हुई। तू करता क्या लाके है सब? अरे जब भी इंडिया जाता हूँ मैं लेके आ जाता हूँ। खाता क्यों नहीं है? खाने का टाइम नहीं मिलता, फिर ऐसे हो जाता है खत्म। खाना भी पड़ता है बे। एक और पड़ा मैं इस बार क्या फिर भी लेके आया हूँ। तो वो भी ऐसी, वो भी ऐसी पड़ा हुआ, उसको निकालो, करना ही पड़ेगा यार। दीवार की टेंशन है, वो पीली पड़गी दीवार, उसके पैसे ले लेंगे वो। नहीं तो ये ना, तो यहाँ चिपका क्यों नहीं दिया था तूने? क्या एक वॉलपेपर जो आता है? तो इतनी नॉलेज नहीं थी ना। तो इस फूतों की कवर में अपने वो डालूंगा ना, सर्दी वाले कपड़े। हाँ तो पता है, तो ये क्यों रखा इतना बड़ा फूतों? फेंकना तो है वो यार, देख सांप उठ ना जाए। हाँ हाँ लीजिए, हैप्पी बर्थडे भाई। छिपकली वगैरह नहीं होगी ना? वो नहीं पता ना, थक गया मैं यार। अबे फेंको ही सब, रंग छोड़ रहा है वो साले। अच्छी शर्ट है वो, देख पीछे देख। कहा रंग छोड़ा? नहीं छोड़ा। अबे लाइट का असर है वो साले। चल यार खाना खाना चलेंगे, भूख लगी। चलो थक गया मैं, देखूंगा क्या खाएंगे आप महाराज। पिज्जा वीजा खा के आएंगे। पिज्जा खाएगा? हेल्थ कॉन्शियस हूँ मैं। मखा फिर तो मैं खा नहीं, मैं खा लूंगा मतलब आज के दिन चोले भी। मैं तो कह रहा हूँ कोकोई चिबानिया चल लेते हैं, मस्त करे करी। चावल नहीं खाने? चावल नहीं खाने? पिज्जा खाने, चावल नहीं खाने? वाह वाह महाराज, गुड़ खाए बोले तो परहेज। ये भी हुडी है। अरे इतने कपड़े क्या करोगे, गांधी जी के धोती पहन के रहते थे, उसी को लपेट लेते थे। लगा दे। देखो नए घर में जाना, नई शुरुआत करो, ठीक है? तभी तो मैं फेंक रहा हूँ ना। हाँ इसको फेंको, जितना कचरा है सब उठाओ जिंदगी से। इतना मोजा तो दुकान में भी नहीं होगा, यहाँ मतलब इकट्ठा कर रखा है। मोजे ही खरीदता है क्या जाया जाता है वहां से? महिलाओं के साथ सार्वजनिक जगहों पर छेड़छाड़ और उनके यौन शोषण का वीडियो बनाकर उन्हें वेबसाइट में बेचा जाता था, उनके जरिए पैसे कमाए जाते थे। बताओ तुम्हारे पास वो डंबल डंबल पड़ा हुआ है? डंबल पड़ा हुआ कहाँ है? उधर थोड़ा सा साइज, ये तो अलग अलग पड़ा हुआ है बे। हाँ जोड़ना पड़ता है फिर। मॉर्निंग वर्कआउट सर वो हो गया, इतना कष्ट कौन करेगा? डंबल जोड़ के थोड़ी मारेंगे। हेलो, सुन आते हो कॉफी लेता आइए कोई आपको और कुछ खाने का। कौन सी कॉफी लाने? वो दूध वाली। चल ठीक है, दो एक अपने लिए और दो यहाँ दूबे भी है, 3 कॉफी लियो।
और एक किसके लिए, तेरे लिए? अबे तीन, मैं, दुबे और तू। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ओके। और सैंडविच शादी आई हो एक, ठीक है। सुन वो क्या बोलते हैं, कॉफी गर्म लानी है या ठंडी वाली लानी है? अभी बता। हाँ कोई भी चलेगी, एक बोल ना। ठंडी ठंडी वाली नहीं हो, ठंडी वाली नहीं हो। हाँ धूप में गर्म दोनों ही लिया, मिला ले, मिला के पी लेंगे। ठंडी वाली नहीं हो, गर्मी हो रही है। वो बोतल सी आती है ना बॉस वाली, हाँ वो ले आइए। ठीक है मैं बनाऊंगा अपने ऊपर पिक्चर। मैं ही बनाऊंगा। अच्छा ठीक है, डायरेक्टर रहोगे तुम, प्रोड्यूसर रहूंगा मैं, और हीरो भी मैं ही रहूंगा। कौन सा था बाबा? राम रही, राम रही। एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, सब सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, सब हो। गाना भी मैं ही गाऊंगा, ऑब्वियसली मैं ही रहूंगा। दहेज में मिला था सारा रखा हुआ है। अबे तो वो ये तो ठीक है यार। कभी कभी मुझे लगता है ना कि मेरे पेट में फैट नहीं, गैस बनी हुई है। देखो सुई मार के खोल ले। ये सारा सामान लेके जाना पैक करके। तो हम निमराना तक चले गए थे देखने, जापानी सिटी, जापानी कंपनी देखने के लिए। 400 रहा। अरे कोई जापानी ड्राइवर बुलाओ। मंगल बाजार लगा हुआ है। आगे आगे ये राहुल श्वार्ज़नेगर, राहुल स्टेलोन, दुबे जी। ये वो बच्चा किडनैप करने वाली गाड़ी, चाबी जो है सारा का सारा। अच्छा चलो फिर, ये पीछे से साफ यार, ये सही बड़ी गाड़ी है। उसे मैं देख लेता हूं क्या कर रहा है। एक बार बार में कुछ नहीं सोवा, कुछ नहीं खोला इसने। क्या करें, पहले फ्रिज से शुरू करें, फ्रिज ले आओ। इसके हवा हाँ से लग रहा है कितना पहले कभी कर शिफ्टिंग बैठे ठेकेदार जैसा। चौथी शिफ्टिंग है ये, पहली अमित की। सामान निकाल दिया क्या? हमें सबसे ज्यादा समझदार एक्सपीरियंस तो ये है। हाँ, और अपनी शिफ्टिंग में बाहर नहीं करा रहा हूँ। इस चिकन की एक्सपायरी एक साल पहले खत्म हुई है। और चिमटी आएगा नहीं, चिमटी आएगा, कपड़े सुखाते भाई साहब। अरे बोल, अरे बोलने दे ना। अरे 2 साल है, एक हफ्ता होगा। और क्या, ये फ्रिज में इसने चिमटियां रखी हुई हैं। ये देखो चिमटियां, कपड़े सूख रहे हैं। एक बिल्ली तो अंदर से भगाई है वॉशिंग मशीन के। ले शाबाश, तेरे अंदर सूरवीरों का खून खींच दे, अब नीचे तक जाएगा। हाथ लगा देना तू, ओए हाथ निकाल ले तो दे। इसमें रख देना। वहां पे गैस ही होगी, गैस ले आ रहा हो? नहीं गैस तो उसी वहीं पे है। नीचे आप ले जा रहा हूं? नहीं लेके जा रहा हूं, वरना मेरे से ले लूं। पर गैस पड़ी पड़ी तेरे पास? हां तो दे, उसकी तो खराब है गैस। चल रिकॉर्डिंग करेगा। वाह 6 मान बेटा, हमने 6 मान ना लिया उससे, तब बताऊंगा। अरे मैं ला रहा हूँ सामान यार, सामान ला रहा हूँ, 6 मान ला रहा। इस वाली गाड़ी में जा रहा मेरा सारा सामान, मेरा सारा अब तक के कपड़े लत्ते, मेरे पढ़ाई लिखाई, डिग्री विग्री, सोफा सेट, सब कुछ इन तीनों के ऊपर जिम्मेवारी है। अरे गायब मत हो जाना, चल के बेच देते हैं। जर्मनी के तीनों वापस आए ना, मेरे पास अब कुछ नहीं है फिर धरती में। चलो चाचा को चाबी वापस करके।